प्रिय दर्शकों, स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार जब पांडव अपनी अज्ञातवास की अवधि में चंडिका नामक स्थान पहुंचते हैं तो अत्यधिक थके होने के कारण वो सभी वहां विश्राम करने लगते हैं। विश्राम के समय युधिष्ठिर सुरक्षा की जिम्मेदारी भीमसेन को सौंप देते हैं। जब सभी लोग विश्राम कर रहे होते हैं तो उसी समय भीमसेन को प्यास लगती है, किंतु आसपास कहीं जल का कोई साधन ना देखकर वो बड़े भ्राता युधिष्ठिर को जगाते हैं और उनको सारी बातें बताते हैं। प्रिय अनुज, यहीं पास में चंडी देवी का जल कुंड है, तुम वहां जाकर अपनी प्यास शांत कराओ, तब तक मैं देखभाल करता हूँ। धन्यवाद भ्राता श्री, मैं जल का सेवन करके अभी आया। अवश्य भीम, किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना। कहिए भ्राता श्री, आखिर किस बात का विशेष ध्यान रखना है? प्रिय अनुज, किसी भी स्थिति में जल कुंड का जल दूषित ना हो, अन्यथा तुम्हें दोष लगेगा। अवश्य भ्राता श्री, मैं इस बात का विशेष ध्यान रखूंगा। प्यास से व्याकुल भीमसेन जल कुंड की खोज में चल पड़े और कुछ देर बाद वो माँ चंडी देवी के जल कुंड के समीप पहुँच गए। अरे वाह, इस जल कुंड का जल तो बहुत ही शीतल और स्वच्छ प्रतीत होता है, क्यों ना पहले मैं अपने हाथ पैर इसमें साफ कर लूं। ऐसा सोचकर भीमसेन जल कुंड में प्रवेश कर हाथ पैर धोने लगे। अभी भीमसेन अपने हाथ पैर धो ही रहे थे कि तभी वहां बरबरी का पहुँचे और भीमसेन को जल कुंड में पैर धोता देख अत्यधिक क्रोधित होकर बोलते हैं, कौन हो तुम और ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या, हाथ पांव धो रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये माँ चंडी देवी का जल कुंड है और इसी जल से मैं प्रतिदिन माँ चंडी को स्नान कराता हूँ? क्या तुम्हारे गुरु ने कभी तुम्हें जल प्रयोग की गरिमा नहीं सिखाई? तुम इसी क्षण जल कुंड से बाहर आओ। बरबरी के ऐसा कहने पर भीमसेन बोले, मैं भला जल कुंड से बाहर क्यों आऊं? तुम मुझे आचार विचार सिखाने वाले होते कौन हो? जल का प्रयोग स्नान आदि के लिए ही किया जाता है, मैं वही कर रहा हूँ और ये ही मुनियों ने भी बताया है। शायद आप भूल रहे हैं कि मुनियों ने बहते जल में स्नान करने की बात कही है, ना कि स्थिर जल में। ये कुंड है और इसका जल स्थिर है, इसीलिए स्नान आदि करने से ये जल दूषित हो जाएगा। तुम्हारे पास अभी भी अवसर है, अपनी भूल को तत्काल सुधारो। तुम इतने ज्ञान की बातें कर रहे हो, परंतु तुम्हें तो ये भी ज्ञात नहीं कि बड़ों से किस प्रकार बात करते हैं। अगर तुम्हारे गुरु और बड़ों ने तुम्हें ये नहीं सिखाया तो मैं सिखा देता हूँ। मुझे तुमसे कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, तुम तत्काल जल कुंड से बाहर आओ। इस प्रकार बरबरीक और भीमसेन के बीच वाद विवाद बढ़ने लगा, कोई भी झुकने को तैयार न था, दोनों अपनी अपनी बातों पर अडिग थे। भीमसेन बरबरीक की बात मानने को तैयार ही नहीं थे और न ही बरबरीक भीमसेन की बात मानने को तैयार थे, जिसके कारण दोनों के मध्य मल युद्ध शुरू हो जाता है। लगता है इस योद्धा के पास कोई दैव्य शक्ति है जिस कारण ये मेरा सामना कर पा रहा है। कौन है ये योद्धा जिसके समक्ष मेरा बल कमजोर पड़ रहा है? दोनों योद्धा बड़े ही वीर और युद्ध कला में पारंगत थे, जिस कारण दोनों के मध्य भयंकर युद्ध चलता रहता है। किंतु कुछ समय के बाद युवा बरबरीक अनुभवी भीमसेन के सामने कमजोर पड़ने लगे। तभी अवसर पाकर भीमसेन अपने दोनों हाथों से बरबरीक पर एक भयंकर प्रहार करने ही वाले होते हैं कि तभी आकाशवाणी होती है, ठहरो वत्स,
यह असाधारण योद्धा कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा पौत्र बर्बरीक है। मेरा पौत्र? क्या ये बात सत्य है? हाँ वत्स, ये बात सत्य है। ये तुम्हारा पौत्र ही है। क्या कहा? मैं इनका पौत्र हूँ, अर्थात ये मेरे पितामह हैं। हाँ वत्स, ये तुम्हारे पितामह हैं, जो अपने भाइयों के साथ धर्म युद्ध के लिए शक्तियां अर्जित कर रहे हैं, और इसलिए ये तुम्हारी आराध्य देवी माँ चंडिका के दर्शन के लिए आए हैं। आकाशवाणी सुनकर बर्बरीक को अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ और वो अपने पिता महाभीम से बार बार क्षमा मांगने लगे और बार बार अपनी गलती का प्रायश्चित करने लगे। कृपया मुझे क्षमा करें पितामह, आज मैंने आपका अपमान करके बहुत बड़ा अनर्थ किया है। मैं तो क्षमा योग्य भी नहीं हूँ, किंतु आप मुझे क्षमा कर दीजिए पितामह। अपने पुत्र की इस प्रकार की बात सुनकर भीमसेन को मन ही मन अति प्रसन्नता हुई कि उनका पुत्र इतना बलशाली है। वहीं दूसरी ओर बर्बरीक के मन का शोक कम नहीं हो रहा था। वो बार बार भीमसेन से अपनी गलतियों की क्षमा याचना मांग रहे थे। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए पितामह, ये सब मुझसे अनजाने में हुआ। पौत्र, तुम दुखी ना हो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और मैं अति प्रसन्न हूँ कि तुम वीर होने के साथ साथ अत्यंत बुद्धिमान और नीतिवान भी हो। श्री कृष्ण ने हमें बताया था कि तुम इसी देवी स्थान में निवास करते हो, किंतु हम ये बात भूल गए थे। भीमसेन के समझाने पर भी बर्बरीक का अपने पूर्वजों को इस तरह अपमानित करने का शोक समाप्त ही नहीं हो रहा था, जिसके बाद बर्बरीक अपने द्वारा किए गए पाप कार्य से मुक्त होने के लिए प्राण त्यागने का विचार करते हैं और फिर समुद्र की ओर जाने लगते हैं। बर्बरीक को ऐसा करते देख चंडिका देवी प्रकट हुई और उन्होंने बर्बरीक को रोकते हुए कहा, रुक जाओ बर्बरीक, अपनी गलती का पश्चाताप ही मनुष्य की असली सीख है। अभी भविष्य में तुम्हें और बड़े कार्य करने हैं। चंडिका देवी ने बर्बरीक को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्र, तुम चंडिका स्थान पर जिस कर्तव्य निष्ठा के साथ सेवा कर रहे हो, उस कारण तुम चंडील के नाम से प्रसिद्ध होगे और पूजनीय बनोगे। इस प्रकार माँ चंडी देवी के आशीर्वाद स्वरूप बर्बरीक ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए और भगवान श्री कृष्ण के वरदान स्वरूप कलयुग में शीश के दानी, हारे का सहारा और खाटू वाले श्याम बाबा के नाम से पूजनीय हुए। तो मित्रों, इस तरह से बर्बरीक को अपनी गलती का पछतावा भी हो जाता है और वो अपने दादा से क्षमा भी मांग लेते हैं। फिर दोनों के बीच एक दूसरे को लेकर प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है। प्रिय दर्शकों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल महावॉरियर को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।